डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है उसका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर के अंदर क्या है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको हमें फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करके दिखाएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास है? इसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल होता है हमारे पास कि अगर जो चीज परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, हम परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज परपेंडिकुलर है तो उसको हम ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दो हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन सी टाइप है हमारी? तो फर्स्ट है कि अगर हम दो टाइप है हमारी, तो सबसे पहले होती है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो दो टाइप का होता है हमारे पास है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अब सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बारे में तो जो पहले आपके जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पहले छह क्वेश्चन है वो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हम पहले इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है और इसको हमें कैसे शो करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे फिर हम इनके बारे में, यानी कि इनका बेसिक भी करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये क्या होता है और इसको हमें कैसे शो करते हैं। तो इसको देखो, ऑर्थोगोनल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको हम ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है? वैसे परपेंडिकुलर होता है हमारे पास। परपेंडिकुलर क्या, जैसे हम तीन एक्सिस लेके चलते हैं, ठीक है, तीनों क्या होने चाहिए हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो आपके पास तीनों एक्सिस हैं, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर कर्व जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक इसका कर्व लेके चलता हूँ कि ये एक कर्व है और ये सेकंड कर्व है आपके पास। इसको अगर मैं इस टाइप से बना देता हूँ और इस टाइप से और ये इस टाइप से, ठीक है, ये तीन कर्व है आपके। ठीक है, एक ये और एक ये तीन कर्व है और ये तीनों कर्व क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या फिर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये होते क्या है, तो ये जो कर्व है इनको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, यू वी या फिर यू, ये तो एक्स का, ये वाई का, वी हो जाएगा ये डब्ल्यू का। ठीक है, यानी कि यू वी डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास ये यू वी डब्ल्यू है क्या, और इनको ये हमारे पास एक वेक्टर है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके अंदर होता क्या है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये बोलते कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन शो करके दिखाओ, यानी कि ऑर्थोगोनल सिस्टम शो करके दिखाओ हमें, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली आर बाई कर्ली यू इनटू मल्टीप्लाई के अंदर कर्ली आर बाई कर्ली वी, यानी कि कर्ली आर बाई कर्ली यू कर्ली आर बाई कर्ली वी अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, या फिर आप कर्ली आर वाई कर्ली वी इंटू कर्ली आर वाई कर्ली डब्ल्यू, ये भी जीरो के इक्वल आ जाता है, या फिर कर्ली आर वाई कर्ली डब्ल्यू और कर्ली आर वाई कर्ली यू, ये भी जीरो के इक्वल आ जाता है। अगर ये तीनों कंडीशन जीरो के इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको ऑर्थोगोनल सिस्टम बोल देते हैं। अब आर क्या है आपके पास, आर का भी पता नहीं होता, तो आर को हम मान के चलते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कोई भी एक वेक्टर मान के चलते हैं। ठीक है, तो आर हमारे पास ये वेक्टर होगा, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू है और इसके अंदर पुट कर देंगे
उनका डेरिवेटिव कर देंगे यू के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उनकी फिर आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर वो जीरो के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आती तो फिर ये क्या है, ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ठीक है, पता चल गया। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इसका और बेसिक है वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो इसी के बेसिस के ऊपर है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट ले लेता हूँ, जो हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन है वो क्या होती है, करली आर बाई करली यू इंटू करली आर बाई करली वी इज इक्वल टू जीरो, करली आर बाई करली वी इंटू करली आर बाई करली डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू करली आर बाई करली यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, इसको हमें सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे आपको, तो एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। ये आपको दे रखा है, इफ यू इज इक्वल टू, इफ यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, वी इज इक्वल टू वाई माइनस फोर और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस टू, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और हमें शो करना है, शो दैट यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल कैसे शो करेंगे, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल शो करने के लिए देखो हमें क्या करना है, आर का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में और वी के रिस्पेक्ट में, फिर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल लेके आनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखो, आर तो हमारे पास है नहीं, तो मैं लेट मान के चलता हूँ कि लेट आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर को मान लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आपके पास आर वेक्टर है। अब हमें करना क्या है, अगर हमारे पास x की y की और z की वैल्यू u v और w के अंदर होती और इसके अंदर पुट कर देते तो फिर r का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, v के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, w के रिस्पेक्ट में कर सकते थे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो u और माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ये तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 को इस साइड लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू v प्लस का 4 हो जाएगा, और अगर मैं यहां से z की वैल्यू फाइंड करूंगा तो w माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, z की वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू x की जगह पर हम u माइनस का 3 बाई 2 i प्लस y की जगह पर v प्लस का 4 j और प्लस z की जगह पर w माइनस का 2 k। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अब आपकी। अब हमें क्या करना है, एक बार तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और एक बार r का पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो मैं r का डेरिवेटिव कर देता हूं, कर ली r y कर ली u। ठीक है, तो पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और ये माइनस का ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और i हमारे पास है, चीज रहेगा प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर यू नहीं है, इसके अंदर भी यू नहीं है, तो हमारे पास dr कर ली r बाई कर ली u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब की बार मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कर देता हूं, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा, यानी कि j बच जाएगा आपका। ठीक है, और कर ली r y कर ली w अगर हम निकालेंगे तो r का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसका डेरिवेटिव 1 और 1 की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट करके दिखानी है, यानी कि करली आर बाई करली यू की और करली आर बाई करली वी की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है हमें। तो क्या आएगी, करली आर बाई करली यू की वैल्यू है, करली आर बाई करली यू की वैल्यू आप लोगों के पास है 1 बाई 2 आई इंटू इसकी वैल्यू है जे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 बाई 2 तो हमारे पास है, चीज रहेगा। अब आई और जे की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, तो आई और जे की डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि लेट मैं मान के चलता हूं कि ए वेक्टर आप लोगों ने ले लिया आई, ठीक है, बी वेक्टर आप लोगों ने ले लिया जे। अब क्या करना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी करना है आपको, तो ए डॉट बी कैसे करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आई डॉट जे आ जाएगा। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख सकता हूँ।
ठीक है, और जे को हम लिख सकते हैं जीरो आई प्लस जे और प्लस जीरो के, ठीक है। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो आई डॉट जे की वैल्यू आपके पास है क्या आ जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखो आई की जे के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगी, जे की के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगी, के की आई के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास जीरो है, यानी कि ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई होगी हमारी। अब सेकंड कंडीशन के ऊपर आते हैं, कर ली आर बाई कर ली वी डॉट कर ली आर बाई कर ली डब्ल्यू। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है जे डॉट, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है के, और ये क्या किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल। तो सेकंड कंडीशन भी आपके पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ऑर्थोग्राम शो कर रही है। अब थर्ड कंडीशन है कर ली आर बाई कर ली डब्ल्यू डॉट कर ली आर बाई कर ली यू। अब इनकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है के, और इसकी वैल्यू आप लोगों के पास है 1 बाई टू आई, यानी कि 1 बाई टू का मैच चीज रख सकते हैं। तो के की और आई की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो के और आई की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो, जीरो की 1 बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जाएगी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन ऑर्थोगोनल शो कर रही है, तो हम लिख सकते हैं हैंस यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, पता चल गया। तो ऑर्थोगोनल हमें कैसे शो करना है, ये तो क्वेश्चन सिंपल था आपके पास कि हमारे पास है x की वैल्यू, हम निकाल सकते थे y की वैल्यू, निकाल सकते थे z की वैल्यू, निकाल सकते थे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि x y z की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हो तो फिर हम कैसे ऑर्थोगोनल शो करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही है, लेकिन वहां पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं वो आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ जो फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऑर्थोगोनल शो करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन वहां पर शो तो कर सकते हो कि ऑर्थोगोनल शो करो, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे भी वैल्यू फाइंड करनी है, एच वन एच टू और एच थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको उसका पहले बेसिक बताऊंगा फिर क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, उसको हम शो कर सकते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल यू वी डब्ल्यू बोल रखा है कि शो दैट यू वी डब्ल्यू आर नॉट ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल नहीं होगी, ये हमें शो करके दिखाना है, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए हमारे पास। अगर इनमें से एक भी जीरो के इक्वल नहीं है तो ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन को जीरो के इक्वल नहीं लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है, पता चल गया। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखो जब भी लेक्चर हम डालते हैं तो लेक्चर कितने 55,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, 55,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम लेक्चर जब डालते हैं तो उसके व्यू कितने आ रहे हैं, 100 व्यू आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 200 हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। कम से कम इतना तो हो कि हम इतनी मेहनत करके आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको शेयर तो कर दिया करो ताकि और बच्चों तक भी ये लेक्चर जो है पहुंच जाए, ठीक है, और उसके व्यू जो है ज्यादा आ जाए, क्योंकि हम भी तभी काम करेंगे जब व्यू हमें ज्यादा मिलेंगे, और व्यू ज्यादा कब होंगे, व्यू ज्यादा जब होंगे जब आप उसको शेयर करोगे, ठीक है। तो मैं पूरा मैथ भी डाल सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर सारे मैथ डाल सकते हैं, लेकिन हमारा भी हौसला तब होगा ना, तब जब हमारे को व्यू दिखाई देंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यू आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये रिक्वेस्ट आ रही है कि इस मैथ की जो है वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे ना जो आप लोग चाहते हो, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ आपसे एक शेयर चाहते हैं, तो शेयर जो है आप कर दिया करो ताकि जो लेक्चर है वो काफी और बच्चों तक भी पहुंच जाए, और जिससे व्यू ज्यादा होंगे, और व्यू ज्यादा होंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम और लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने ऑर्थोगोनल शो करना था, तो ऑर्थोगोनल कैसे शो किया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन को मैं आपको दे रखा है कि u की वैल्यू है एक्स वाई और v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू और w की वैल्यू है z, ठीक है।
ठीक है, और ये हमें शो करके दिखाना है UVW आर नोट ऑर्थोगोनल। तो देखो ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इसको कैसे शो करेंगे? तो इसको शो करने के लिए हमारे पास है, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते u के अंदर, क्योंकि u और y आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, और यहां से भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब अगर मैं r वेक्टर लेके चलूं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो r वेक्टर के अंदर मान के चलेंगे r वेक्टर हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पुट करनी होगी यहाँ पे, लेकिन x की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, यहां से निकालेंगे कहां से निकालेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग मेथड का यूज करते हैं, ताकि हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाए आपके पास, यहां से हमें अगर ये वैल्यू मिल जाए, देखो इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसमें से तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते एक्स और वाई की, अगर हमें कर ली आर वाई कर ली यू की वैल्यू मिल जाए, या कर ली आर वाई कर ली वी की वैल्यू मिल जाए और ये जीरो के इक्वल ना आए तो नॉट ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, आर का डेरिवेटिव करेंगे, तो डी आर वाई कर ली आर वाई कर ली यू, पहले तो यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कर ली एक्स वाई कर ली यू, आई हमारे पास एस डीज कर ली वाई वाई कर ली यू, और जे एस डीज प्लस कर ली जेड वाई कर ली यू और के एस डीज, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव इसकी बार ये तो यू के रिस्पेक्ट में था, वी के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे, कर ली आर वाई कर ली वी, ठीक है, तो v के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे ये x का डेरिवेटिव तो कर ली x y कर ली v i प्लस कर ली y कर ली v j प्लस कर ली z y कर ली v k, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जीरो के इक्वल नहीं आएगी, तो क्या होगा, नॉट ऑर्थोगोनल, और यही हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां से मिलेंगी हमें, तो इन वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, तो इन वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को लेके चलते हैं, u इज इक्वल टू x और y, और v हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मैं इनका डेरिवेटिव कर देता हूं, इसका भी डेरिवेटिव कर देता हूं और इसका भी डेरिवेटिव कर देता हूं, ठीक है। अब डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं इनका डेरिवेटिव एक बार तो u के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, फिर v के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो u के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहां से u into v लगेगा, तो u as is डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u प्लस अब की बार y as is डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहां से इसका डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि x और y यहां भी है और x और y यहां भी है, तो इसका डेरिवेटिव मैं x के रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय 2 जो डिवाइड में है, तो 1 बाय 2 को तो मैं एज इज रखूंगा, और अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखो x स्क्वायर का करेंगे तो 2 पावर आ गया x की पावर 1, और फिर x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस यही y का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y और y का कर ली y बाय कर ली u आ जाएगा, 2 को कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास x कर ली x y कर ली u प्लस y कर ली u y बाय कर ली u, ठीक है। अब आपके पास ये इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो अगर मैं यहां से एक चीज को कैंसिल कर देता हूं, या तो कर ली u कर ली y बाय कर ली u को कैंसिल कर देंगे, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास से कर ली एक्स कर ली वाई कर ली यू कर ली एक्स वाई कर ली यू के अंदर स्टेटमेंट बच जाएगी, और उसका उसकी हम वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है देखो इनको सेम बनाना होगा, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था एलिमिनेशन मेथड किया था 10th के अंदर, तो उसी तरह से हम यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x है यहाँ पे y है तो इनके कोफिशियंट की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की मल्टीप्लाई तो इसके साथ और x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई तो y के साथ कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू यहाँ y के साथ करेंगे तो एक्स वाई कर ली वाई वाई कर ली यू प्लस वाई के साथ इसकी करेंगे तो वाई स्क्वायर कर ली एक्स वाई कर ली यू आ जाएगा।
अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, x के साथ, तो ये जीरो इज इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर कर ली, x y कर ली u प्लस x y और कर ली y y कर ली u। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर देखो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये देखो ये दोनों सेम है तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इस साइड तो y है और इस साइड आपके पास है, इसमें से ये माइनस करना है तो y स्क्वायर कर ली एक्स वाई कर ली u माइनस x स्क्वायर कर ली एक्स वाई कर ली u आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों में से कर ली एक्स वाई कर ली u को कॉमन निकाल लेता हूं तो आपके पास y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो y डिवाइड बाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इज इक्वल टू कर ली एक्स वाई कर ली u आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया, तो कर ली एक्स वाई कर ली यू की वैल्यू तो आप लोगों को निकाल ली, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कर ली एक्स वाई कर ली यू की वैल्यू आप लोगों के पास आई है वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों ने कैसे निकाली है पता चल गया। अब अगर मैं ये वैल्यू तो आप लोगों ने इसकी निकाल ली है, ठीक है, या तो आप इसके अंदर पुट कर देते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या फिर आप दोबारा से एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो फिर से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए अब की बार क्या करना होगा हमें, जब पिछली बार तो हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को यहां से ये कैंसिल कर दिया था, ठीक है, अब की बार इनको कैंसिल कर देंगे, तो इनको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम बनाना होगा, तो यहाँ x है तो इसके जो इसका कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, यानी कि x की मल्टीप्लाई तो इसके साथ और y की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा तो देख लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई तो हमें x के साथ करनी है तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और कर ली y y कर ली u, यहाँ x के साथ करेंगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा कर ली एक्स वाई कर ली u आ जाएगा, यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई कर ली u और प्लस यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर कर ली y वाई कर ली u आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वही साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, इस साइड तो x है और इस साइड आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x स्क्वायर कर ली y y कर ली u माइनस y स्क्वायर कर ली u y y कर ली u आ जाएगा। अब अगर इसमें से कर ली y y कर ली u को कॉमन निकाल लेते हैं तो x इज इक्वल टू कर ली y y कर ली x को कॉमन कर ली u को कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर ली वाई बाई कर ली यू, ये वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने किस किस की वैल्यू निकाली है, इसके अंदर पुट करने के लिए कर ली एक्स वाई कर ली यू की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, कर ली वाई बाई कर ली यू की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल ली है, तो मैं इसको भी अलग से लिख देता हूँ कि कर ली वाई बाई कर ली यू की वैल्यू आप लोगों के पास आई है एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किस की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, तो अब की बार मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके फिर सोल्व कर लेते हैं, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, ये देखो अब की बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि जो ये आप लोग ये दोनों इक्वेशन लेके चले हो, इन दोनों में से ही वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो इन दोनों को अब की बार क्या करेंगे, पिछली बार तो हमने इनकी u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना था, अब की बार क्या करेंगे y के v के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, यहाँ x as it is डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू v, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अब की बार, प्लस y as it is x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो v का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करें तो 1 बाई टू एच डीज टू एक्स और x का कर ली एक्स वाई कर ली, ये आपके पास v आ जाएगा, प्लस 2 पावर आगे y की 1 पावर और y का करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब 2 को कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 एच डीज, तो यहाँ पे बच जाएगा x कर ली एक्स वाई कर ली v, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y कर ली y वाई कर ली v आ जाएगा।
ठीक है, इसको फिर से मैं नाम दे देता हूँ, इसको फर्स्ट नाम देंगे, इसको सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। वो फर्स्ट और सेकंड दिया था तो इसको थर्ड और फोर्थ नाम दे देना आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ से हमें इनकी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, कर ली एक्स वाई, कर ली वी की। तो सबसे पहले कर ली एक्स वाई, कर ली वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको कैंसिल करना होगा हमें। इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, y की मल्टीप्लाई इसके साथ और x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसके y के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, कर ली y बाई, कर ली v आ जाएगा। यहाँ y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, कर ली एक्स वाई, कर ली v आ जाएगा। इसके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कर ली एक्स वाई, कर ली v, और प्लस यहाँ पे x के साथ करेंगे तो एक्स वाई, कर ली वाई वाई, कर ली v आ जाएगा। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इस साइड तो माइनस का x बच जाएगा आपके पास, और उस साइड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कर ली वाई स्क्वायर, कर ली एक्स वाई, कर ली v, माइनस एक्स स्क्वायर, कर ली एक्स वाई, कर ली v आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं कर ली एक्स वाई, कर ली वी को कॉमन निकाल लेता हूं, तो कर ली एक्स वाई, कर ली वी को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कर ली एक्स वाई, कर ली वी की वैल्यू आप लोगों के पास है। अगर मैं माइनस को नीचे लेके जाऊं, अंदर लेके जाएंगे तो कर ली एक्स वाई, कर ली वी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी। तो मैं इसको भी अलग से लिख देता हूँ कि कर ली एक्स वाई, कर ली वी की वैल्यू आप लोगों के पास आई है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से तो आपने इन दोनों इक्वेशन से अब की बार क्या किया, कर ली एक्स वाई, कर ली वी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें कर ली वाई वाई, कर ली वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से भी फिर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो फिर क्या आएगा आपके पास। देखो अब की बार क्या करना है, अब की बार आप लोगों को ये कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल करने के लिए इसका कोफिशिएंट x है तो इसकी मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे, और ये y है तो इसकी मल्टीप्लाई y के साथ कर देंगे। तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, x के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो x स्क्वायर, कर ली y वाई, कर ली v, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, कर ली एक्स वाई, कर ली v आ जाएगा। इसकी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स वाई, कर ली एक्स वाई, कर ली v, प्लस y स्क्वायर और कर ली y वाई, कर ली v आ जाएगा। दोनों को फिर करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा माइनस y इज इक्वल टू इन दोनों में से x स्क्वायर, कर ली y वाई, कर ली v, पर माइनस करना है y स्क्वायर, कर ली y वाई, कर ली v आ जाएगा। अभी में से कर ली वाई बाई, कर ली वी को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा, कर ली वाई बाई, कर ली वी तो कॉमन निकल आया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कर ली वाई बाई, कर ली वी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ बच जाएगा वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, कर ली वाई बाई, कर ली वी, तो कर ली वाई बाई, कर ली वी की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड कर ली है, ये आई है y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पता चल गया। तो इनकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हमें कर ली z y, कर ली u की वैल्यू फाइंड करनी है, और कर ली z y, कर ली v की। तो आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, पता चल गया ना कैसे वैल्यू फाइंड की है। तो अब हम जो है, जो आपकी थर्ड इक्वेशन जो ये दे रखी है, यहां से हम z इज इक्वल टू w ये दे रखा है, तो मैं कर ली z y, कर ली u फाइंड कर लेता हूं पहले। तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है, और कर ली z y, अगर मैं v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब वापिस वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो, कर ली r y, कर ली u, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है, कर ये आई है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे y बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और i, ठीक है, प्लस इसकी जगह पर वैल्यू आई है आप लोगों के पास ये, तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और j, प्लस ये 0 होगा,
तो ये वैल्यू जीरो है, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इनकी, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो कर ली आर वाई कर ली वी, तो यहां पे आपके पास कर ली एक्स वाई कर ली वी है, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास ये रही, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप लोगों के पास ये है, तो प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जे, और ये आपके पास जीरो है, तो ये जीरो रह जाएगा। ठीक है, पता चल गया यहां तक। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्योंकि ये वैल्यू लेके आने के लिए कर ली आर वाई कर ली यू, कर ली आर वाई कर ली यू डॉट कर ली आर वाई कर ली वी फाइंड करना हमें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो आई के साथ करेंगे, तो यार क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाई, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों ही करेंगे तो ऊपर भी एक्स वाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अंदर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेम एलसीएम आएगा, तो एलसीएम सेम आ जाएगा और एलसीएम सेम आएगा तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगी, तो माइनस का आगे आ जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो सेम है हमारे पास, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर ले सकते हैं हम, तो माइनस टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं आया हमारा। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो क्या होता है कि ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है। ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था, पता चल गया कैसे शो किया है। तो ये तो थे कि ऑर्थोगोनल हमें शो करना है या शो कैसे नहीं होगा या शो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं, अगर ऑर्थोगोनल है तो क्यों है और ऑर्थोगोनल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद फिर जो आपके जो छह क्वेश्चन है वो सारे ऑर्थोगोनल के ऊपर है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, तो उसका बेसिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपका इसका बेसिक बताया है कि ये क्या होना चाहिए, अगर ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दे रखे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक बता के फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनको जो है शेयर कर दिया करो, ताकि और बच्चों तक भी वो पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बचते हैं। थैंक यू।